नमस्कार, मैं रत्नसेन भारती। आज हम बात करेंगे कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव को लेकर। बिहार में विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी खींचतान जारी है। कुढ़नी में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों की तरफ से जीत का दावा किया जा रहा है। हालांकि इस बार कुढ़नी का चुनाव इतना आसान नहीं होगा। इस विधानसभा चुनाव के चतुष्कोणीय मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं। जिस तरह से पिछले कुछ चुनाव में बिहार में AIMIM ने अपना प्रदर्शन किया है, उससे यह साफ हो गया है कि कुढ़नी में भी यह पार्टी महागठबंधन को परेशान कर सकती है। इस बार कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में महागठबंधन BJP VIP के साथ साथ AIMIM ने अपने उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतार दिए हैं। ऐसे में यह चुनाव काफ़ी दिलचस्प होता जा रहा है। स्थिति यह है कि विधानसभा उपचुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां अपने जीत का दम भर रही है। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में जदयू ने मनोज कुशवाहा को अपना उम्मीदवार बनाया, तो वहीं BJP ने केदार प्रसाद गुप्ता को अपना उम्मीदवार बनाया है। यह चुनाव तब और भी रोचक हो गया जब इस चुनाव में मुकेश सहनी की पार्टी VIP चुनाव मैदान में उतर गई और सहनी ने नीलाभ कुमार को चुनाव मैदान में उतारा है। उसके बाद AIMIM की एंट्री हुई, जिसके बाद से यह चुनाव और भी रोचक बन गया। AIMIM ने गुलाम मुर्तजा को चुनाव मैदान में उतारा है। बिहार में होने वाले चुनाव जातीय आधार पर सबसे पहले नापा तोला जाता है। ऐसे में कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में अगर हम पार्टियों की स्थिति को देखेंगे तो यह चुनाव किसी भी एक तरफ जाती हुई नहीं दिखाई दे रही है। VIP और AIMIM के मैदान में आने के बाद से जातीय लिहाज से जदयू को सबसे ज़्यादा नुकसान होता दिख रहा है। साथ ही साथ BJP को भी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। कुढ़नी विधानसभा का अगर आप जातीय नज़रिए से देखेंगे तो यहाँ पर भूमियार, सहनी, कुशवाहा, यादव, मुस्लिम और वैश्य समाज के वोट काफ़ी प्रभावित करेंगे। ऐसे में यहाँ पर जदयू ने कुशवाहा को चुनाव मैदान में उतारा। अब जदयू को उम्मीद है कि यहाँ पर उन्हें कुशवाहा, यादव और मुस्लिम समाज का वोट उन्हें मिले। इस चुनाव में जब से AIMIM की एंट्री हुई है, उसके बाद से यह कहा जा रहा है कि जदयू को यहाँ नुकसान हो सकता है। इससे पहले गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव में राजद की हार का एक प्रमुख कारण बना था AIMIM। ऐसे में नीतीश कुमार के सामने एक बार फिर से एक चुनौती के रूप में आ गई है AIMIM। जबकि BJP ने इस चुनाव में वैश्य समाज को चुनाव मैदान में उतारा है, तो उन्हें इस बात की आशा है कि भूमियार और पासवान वोट उनके पास होगा। पासवान वोट इस लिहाज से क्योंकि चिराग पासवान यहाँ चुनाव प्रचार करेंगे। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि वे चुनाव मैदान में यहाँ से BJP जीत सकती है। लेकिन यहाँ से मुकेश सहनी चुनाव मैदान में हैं और उन्होंने भूमियार समाज से नीलाभ कुमार को चुनाव मैदान में उतार दिया है। ऐसे में BJP का वोट यहाँ गड़बड़ा सकता है। कुढ़नी में अगर हम भूमियार समाज की संख्या को देख लें तो यह 40,000 के पास है, जबकि सहनी समाज से लोग 20,000 से 25,000 हैं। ऐसे में अगर पूरा वोट सहनी उम्मीदवार के जाता है तो यह रास्ता जीत की तरफ ले जाता है। जिससे पहले मुकेश सहनी ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमियार का चावल और सहनी का मछली। आपको बता दें कि कुढ़नी के जस्ट बगल में ही पिछले दिनों भोचहा विधानसभा का उपचुनाव हुआ, जिसमें कि राजद ने नारा दिया था यादव का दही और भूमियार का चूड़ा, जिसके बाद BJP को यहां हार का सामना करना पड़ा था। उसी आधार पर सहनी ने भी कुढ़नी में नारा दिया भूमियार का चावल और सहनी का मछली। इस विधानसभा उपचुनाव के सामाजिक समीकरण को अगर हम देखेंगे तो AIMIM के मैदान में आ जाने के बाद से महागठबंधन को तो नुकसान हो ही सकता है। कहा तो ये भी जा रहा है कि जितनी वोट गुलाम मुर्तजा को मिलेगी वो सब वोट जो है महागठबंधन के लिए नुकसानदेह होगा। तो वहीं नीलाभ कुमार के सामाजिक समीकरण में जितना वोट मिलेगा वह BJP के लिए नुकसानदेह होगा। कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव के परिणाम सामने आने के बाद यह तय हो पाएगा कि किसको कितना वोट किधर गया और किसको कितना नुकसान हुआ है और किसको कितना फायदा हुआ है। साल 1990 में साधु सरन शाही इस सीट पर आखिरी बार भूमियार विधायक के रूप में जीत कर आए थे। हालांकि इस सीट पर भूमियार समाज के लोगों का वर्चस्व रहा है और हार जीत में एक बड़े फैक्टर के रूप में देखे जाते रहे हैं। इसके बाद 1995 में अशोक सम्राट निर्दलीय तौर पर चुनाव मैदान में थे, वो भी एक भूमियार समाज से आते हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा और लालू यादव की पार्टी के एक उम्मीदवार ने जो है उन्हें हराया था। उसके बाद साल 2000 में इस सीट पर NDA के उम्मीदवार ब्रजेश ठाकुर जीतने में सफल हुए। वर्तमान में वे बालिका गृह मामले में जेल में बंद हैं। साल 2005 और 2010 तक मनोज कुशवाहा जदयू से विधायक रहे। साल 2015 में कुढ़नी में केदार गुप्ता चुनाव जीतने में सफल रहे। वर्तमान में वे BJP के टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। उसके बाद साल 2020 में अनिल सहनी राजद के टिकट पर मात्र 712 वोट से जीतने में सफल रहे थे, लेकिन इस बार उनका सदस्यता जो है खारिज कर दी गई है। ऐसे में यहाँ पर चुनाव हो रहा है और इस बार के चुनाव में
कहा जा रहा है कि काफी दिलचस्प चुनाव होगा कुढ़नी का, क्योंकि सारे समीकरण जो है इस बार खुल गए हैं और ऐसे में अब जनता जनार्दन है, जिसको सबसे ज्यादा मत आएगा वो कुढ़नी का विजेता होगा। तो यदि कुढ़नी विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई रिपोर्ट, बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे बिहारी न्यूज के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।